गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। दिस इज़ अविनाश मानिकपुरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। एंड नाउ आज हम क्लास 8th एमपी बोर्ड सोशल साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 5th लेकर प्रेजेंट हुए हैं। पार्ट 4 में हमने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, ट्रीटी विथ मुगल एम्परर शाह आलम, यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था। आज जो हम स्टडी करेंगे बेटा वो होगा एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। फिर यहाँ पर आंग्ल मैसूर वार के बारे में पढ़ेंगे एंड एंग्लो मराठा वार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपने आप को एक्सपेंड कैसे किया, अपने पावर को बढ़ाया कैसे, ठीक है? आफ्टर एस्टेब्लिशिंग देयर सॉवर्निटी ओवर बंगाल द ब्रिटिश टर्न देयर अटेंशन टुवार्ड द साउथ। की जब हम बात करते हैं बंगाल के अंदर, तो बंगाल के अंदर उनकी सॉवर्निटी बन चुकी थी। सॉवर्निटी का मतलब होता है संप्रभुता, यानी एक अधिकार उनका हो चुका था बंगाल में। अब वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए साउथ की तरफ टर्न करने वाले थे, यानी दक्षिण राज्य जो थे भारत के वहाँ पर। देयर वर थ्री मेजर पावर इन द साउथ, वहाँ पर तीन बड़ी पावर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, द मराठास, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड हैदर अली इन मैसूर, ठीक है? इट बिकम इम्परेटिव फॉर द ब्रिटिश टू कीप दिस पावर, डिवाइड एंड विन द निज़ाम टू देयर साइड्स। अब प्रॉब्लम्स कहाँ पर आई कि इनको अलग अलग कैसे किया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी अंग्रेज़ों के लिए कि ये एक साथ ना हो, यानी इनको एकजुट होने से रोकना ही अंग्रेज़ों का ध्येय बन गया था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो निज़ाम थे, ठीक है, उनको उन्होंने मराठा व हैदर अली से बचाने का लालच दिया और अपनी तरफ मिला लिया, ठीक है, निज़ाम को। चलिए आगे देखते हैं एंग्लो मैसूर वार, ठीक है, कि अंग्रेज़ों और मैसूर, ठीक है, जहाँ पर हैदर अली थे वहाँ पर इनका जो वॉर हुआ था उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन है। द रूलर ऑफ मैसूर वाडियार हैड बिकम वीक, कि उस समय मैसूर के जो रूलर थे वो वाडियार थे और वो वीक यानी कमज़ोर हो चुके थे। हैदर अली वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मैसूर आर्मी, ही वॉज अ ब्रिलियंट जनरल एंड सेवर्ड डिप्लोमेट, ठीक है, कि उनका जो आर्मी चीफ था या कमांडर इन चीफ जो था उनका नाम हैदर अली था और ये एक ब्रिलियंट जनरल थे, यानी ब्रिलियंट सेनानायक थे, साथ में ये चालाक भी थे और डिप्लोमेट थे। चलिए आगे देखते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि ही यू सर्व्ड द थ्रोन एंड एस्टेब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर मैसूर। यू सर्व्ड का मतलब होता है बेटा वारिस, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया कि राजा को हटाकर खुद को उस जगह का वारिस बना लिया, खुद की पावर वहाँ पर एस्टेब्लिश कर ली मैसूर के ऊपर। द ब्रिटिश वर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग पावर ऑफ हैदर अली, इनसे ब्रिटिश को क्या नुकसान हो रहा कि ब्रिटिश जो थे वो वरीड थे, यानी उनको ये टेंशन थी कि हैदर अली की पावर बढ़ती जा रही है। फोर वार वर फॉट फॉर सुप्रीमेसी बिटवीन द ब्रिटिश एंड मैसूर स्टेट बिटवीन 1767 to 1799, ठीक है, कि 1767 से लेकर 1799 के बीच अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में चार वार हुए थे, ठीक है, चार बार युद्ध हुआ था। द फर्स्ट वार वॉज फॉट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, पहला वॉर जो हुआ था वो उस समय गवर्नर जनरल जो थे अंग्रेज़ों में वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। हैदर अली वॉन द वॉर एंड फोर्स्ड द ब्रिटिश टू साइन अ ट्रीटी, हैदर अली वो वॉर जीत गए और उन्होंने अंग्रेज़ों से एक ट्रीटी साइन कराई, ठीक है। बाई दिस ट्रीटी बोथ द साइड्स रिटर्न द प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड कंक्वर्ड टेरिटरीज एंड प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर वेन अटैक बाई थर्ड पार्टी, ठीक है। उस ट्रीटी में क्या था कि जो दोनों थे, अंग्रेज थे और मैसूर थे, ये दोनों एक दूसरे के जो सैनिकों को बंदी इन्होंने बनाया था उनको छोड़ देंगे और साथ में जितनी भी टेरिटरी इन्होंने जीती है वो भी एक दूसरे को वापस कर देंगे। और साथ में ये भी ट्रीटी में था कि उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे यदि कोई थर्ड पार्टी अटैक करती है। चलिए आगे देखेंगे जहाँ लिखा है कि बट द ब्रिटिश डिड नॉट कीप देयर साइड ऑफ द पैक्ट, लेकिन ब्रिटिश जो थे वो अपने पैक्ट को पूरी तरीके से नहीं निभाया उन्होंने। दिस रिजल्टेड इन द सेकेंड इंग्लिश मैसूर वॉर इन विच द फ्रेंच कंपनी हेल्प्ड हैदर अली, और इस वजह से क्या हुआ कि सेकेंड अंग्रेज़ों और मैसूर का युद्ध हुआ जहाँ पर फ्रेंच की कंपनी ने हैदर अली का साथ दिया। आफ्टर हैदर अलीज डेथ हिज सन टीपू सुल्तान कैरीड ऑन द वार, ठीक है, उस युद्ध में हैदर अली की डेथ हो गई और उनके जो लड़के थे टीपू सुल्तान उन्होंने वॉर को कैरी रखा यानी जारी रखा। अल्टीमेटली अ पीस ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान, और फाइनली एक शांति समझौता हुआ दोनों के बीच में, युद्ध का कोई निर्णय नहीं आया,
ठीक है। टीपू डिसलाइक द ब्रिटिश, वो टीपू सुल्तान वैसे भी एक एग्रेसिव वाले रूलर्स थे, वो ब्रिटिश को डिसलाइक करते थे। ही ट्रेंड हिज आर्मी इन द यूरोपियन स्टाइल टू एक्सपेल द इंग्लिश फ्रॉम इंडिया, और अपनी आर्मी को उन्होंने यूरोपियन स्टाइल से ट्रेंड किया ताकि अंग्रेजों को भारत से भगाया जा सके। हैविंग नोन द इंटेंशन ऑफ टीपू सुल्तान द ब्रिटिश डिक्लेयर द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, टीपू सुल्तान का इंटेंशन जानकर अंग्रेजों ने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर डिक्लेयर कर दिया। द निज़ाम एंड द मराठास वर ऑन द साइड ऑफ द इंग्लिश, सो टीपू हैड टू फाइट अलोन, ठीक है, जो हैदराबाद के निज़ाम थे और जो मराठास थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और टीपू सुल्तान अकेले पड़ गए। ही वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, और उनको हार का सामना करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी टीपू हैड टू गिव अवे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी, ठीक है, ट्रीटी में क्या हुआ कि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थे टेरिटरी के, उनके राज्य के, उनको टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू अगेन ट्राइड टू एस्टेब्लिश हिज पावर, और उसके बाद उन्होंने अपनी पावर को फिर से स्टेबल करने की कोशिश की। ही सेंट हिज इनवॉय टू अरेबिया, काबुल, कस्टनटिनोपल, फ्रेंच एंड मॉरिसस टू अपील फॉर हेल्प, ठीक है, ये बेसिकली कस्तुनतुनिया को ऐसा लिखा हुआ, कस्तुनतुनिया एक देश है, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अपना इनवॉय, अपना मैसेज भेजा, कहाँ पर, अरेबिया में, काबुल में, कस्तुनतुनिया में, फ्रांस में और मॉरिसस में, और अपील की हेल्प की। एट दैट टाइम द गवर्नर जनरल ऑफ द इंग्लिश कंपनी वॉज लॉर्ड वेलेसली, और उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वेलेसली थे। In accordance to his policy of expansion, he declared the fourth Anglo-Mysore war. ठीक है, अपने expansion की policy के तहत उन्होंने fourth Anglo-Mysore war declare कर दिया। Tipu was besieged in his capital, where he met a martyr's death and the British capture Mysore. ठीक है, और टीपू सुल्तान जो थे, ठीक है, अपनी राजधानी की, अपनी कैपिटल की रक्षा करते हुए, बेसिस्ट करते हुए, ठीक है, उनकी डेथ हो गई और ब्रिटिश ने फाइनली मैसूर को कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से मैसूर में ब्रिटिश का राज्य हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो कि आपके टॉपिक में है, था एंग्लो मराठा वॉर। अब अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में भी युद्ध हुए, ठीक है, इनमें तीन वार हुए थे, ठीक। अब देखते हैं ये क्यों वार हुआ कि मुंबई वॉज द वेस्टर्न इंडियन सेंटर ऑफ द ब्रिटिश ट्रेड, कि मुंबई जो था वो वेस्टर्न इंडियन सेंटर था ब्रिटिश के ट्रेड का, व्यापार का। बट द सराउंडिंग एरिया वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द मराठास, ड्यू टू विच द ब्रिटिश वर नॉट एबल टू एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल, लेकिन मुंबई के चारों ओर का जो एरिया था वो मराठाओं के अंडर में था और इस वजह से वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अंग्रेज। आफ्टर मैसूर द मराठास वर द ओनली पावर लेफ्ट टू चैलेंज द ब्रिटिश अथॉरिटी, ठीक है, कि मैसूर के बाद सिर्फ मराठा ही एक अकेले ऐसे शासक बचे थे जो कि अंग्रेजों के लिए चैलेंजिंग थे। द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ मराठास, कि ब्रिटिश ये ट्राई करने लगे कि किस तरह इनके इंटरनल मामलों पर दखल दिया जाए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठा पावर वॉज क्रस्ड बाय अब्दाली, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली देखिए इनको मौका भी मिल गया, 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उस पर अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं की पावर को क्रस्ड कर दिया, ठीक है, हरा दिया था मराठाओं को और उनकी पावर क्रस्ट कर दिया, यानी पावर को कमजोर कर दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ द एबल मराठा रूलर महादेव राव रघुनाथ राव द अंकल ऑफ द माइनर रूलर स्टेक्ड हिज क्लेम फॉर द थ्रोन, अब देखिए कि उनके जो एबल रूलर थे मराठा के महादेव राव, उनकी डेथ हो गई थी, फिर इनका जो लड़का था वो माइनर था यानी कम उम्र का था और उसको रूलर बनाया गया, लेकिन रघुनाथ राव जो कि माइनर रूलर के अंकल थे, चाचा थे, ठीक है, उन्होंने अपना क्लेम दे दिया थ्रोन के लिए कि वो राजा बनना चाहते थे, ठीक है। नाना फडणवीस एंड अदर मराठा सरदार्स द भोसले, गायकवाड़, सिंधिया एंड द होलकर्स डिड नॉट सपोर्ट हिम, लेकिन रघुनाथ राव के इस काम को बाकी जो मराठा सरदार थे, पावरफुल सरदार थे लाइक भोसले, गायकवाड़, सिंधिया एंड नाना फडणवीस, इन लोगों ने उसका विरोध किया कि रघुनाथ राव गलत कर रहे हैं। देन रघुनाथ राव इंटर्ड into a treaty with the British and got their support, और finally रघुनाथ राव ने ब्रिटिश से ट्रीटी की, ठीक है, और उनका सपोर्ट प्राप्त कर लिया। इन दिस वे द ब्रिटिश गॉट अ चांस टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द मराठास, और इस तरह मराठाओं के इंटरनल अफेयर्स में ब्रिटिशों को हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। इन 1775 द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार वॉज फॉल,
ठीक है, कि 1775 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हुआ। दिस वार रिमेन इंटेंसिव एज ऑल द मराठा पावर फॉट यूनाइटेडली एंड फॉर नियरली 20 ईयर पीस वॉज मेंटेन। ठीक है, कि ये जो वार था ये भी इंडिसिसिव था, यानी कोई भी निर्णय नहीं निकला और एक ट्रीटी हो गई। ठीक है, क्योंकि मराठा जो थे वो यूनाइटेडली लड़े, यानी एक साथ मिलकर लड़े, और नियरली 20 ईयर पीस वॉज मेंटेन, और 20 साल आने वाले 20 साल के लिए दोनों के बीच में शांति समझौता हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, कि दूसरा मराठा और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में, कि वॉज फॉट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड वेलेसली व्हेन द कंटेम्प्रेरी मराठा रूलर बाजीराव पेशवा सेकेंड हैड ऑलरेडी साइन अ पैक्ट विद द ब्रिटिश। ठीक है, अब देखिए ये जो युद्ध हुआ था सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेलेसली थे, और उस समय के जो मराठा रूलर थे बाजीराव वो ऑलरेडी अंग्रेजों से पैक्ट कर चुके थे, यानी जो सब्सिडरी अलायंस थी सहायक संधि वो कर चुके थे। In order to acquire the help of the British, he had accept all the term of the treaty. ठीक है, और ब्रिटिश की हेल्प के एक्वायर में उन्होंने उनकी सारी शर्तें मान ली, ट्रीटी की जो भी शर्तें थी अंग्रेजों की वो सारी मान ली। The powerful Maratha chief, the Bhosle and the Scindia declare war against the British in 1803 to maintain their independence. लेकिन जो और मराठा रूलर थे लाइक भोसले सिंधिया, इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया 1803 में अपने इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए। बोथ ऑफ देम वर डिफीटेड एंड वर लेफ्ट विथ नो अदर अल्टरनेटिव्स बट टू एंटर इनटू सेपरेट ट्रीटीज विद द ब्रिटिश। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों को हार का सामना करना पड़ा, भोसले एंड सिंधिया को, और उनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय अंग्रेजों से ट्रीटी करने के। ठीक है, तो दोनों ने अलग अलग ट्रीटी कर ली अंग्रेजों से। In the beginning, the Holkar remained aloof, but soon they also fought against the British to maintain their independence. यदि हम beginning की बात करें 1803 में जब ये war start हुआ था, तो Holkar ने अपने आप को aloof रखा। aloof का मतलब होता है अलग रखना। ठीक है, युद्ध में वो शामिल नहीं हुए, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, वो भी अपनी इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए। द रूलर ऑफ भरतपुर राजस्थान हेल्प्ड हिम। ठीक है, जो भरतपुर के रूलर थे राजस्थान पर, जो भरतपुर है उनका उनकी सहायता की होलकरों की। ऑल थ्रो द ब्रिटिश फोर्स वर एबल टू डिफीट द होलकर्स, दे वर अनेबल टू डिफीट भरतपुर एंड अल्टीमेटली साइन अ पैक्ट विद द रूलर ऑफ भरतपुर। कि अंग्रेजों ने होलकर को तो हरा दिया, ठीक है, होलकर्स को तो उन्होंने डिफीट कर दिया, लेकिन वो अनेबल रहे भरतपुर को हराने पर, भरतपुर पर कब्जा करने के लिए वो अनेबल रहे, और उन्होंने भरतपुर के रूलर के साथ ट्रीटी कर ली। ठीक है, नाउ द थर्ड एंड द लास्ट एंग्लो मराठा वार, कि अब ये तीसरा और आखिरी अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में युद्ध था। ठीक है, लिखा कि वॉज फॉट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स, कि इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, 1817 to 1818 की बात है। द पेशवा हैड ऑलरेडी साइंड सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश, बट इन 1817 द ब्रिटिश रेजिडेंट स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन द पेशवा टू साइन अ न्यू सब्सिडरी अलायंस एंड रिलिंक्विश हिज पोजिशन एज द लीडर ऑफ मराठा फेडरेशन। ठीक है, कि देखिए कि बाजीराव पेशवा जो थे उस समय, जो पेशवा थे उन्होंने ऑलरेडी सब्सिडरी अलायंस पहले ही साइन कर चुकी थी, जो हमने ऊपर की तरफ पढ़ चुका है। लेकिन 1817 में जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसको एक नई सब्सिडरी अलायंस पर साइन करने के लिए प्रेशर करने लगा। ठीक है, एंड रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। ठीक है, उनकी पोजीशन जो लीडर थे मराठा फेडरेशन के, उसको छोड़ने के लिए उनको बाध्य किया जाने लगा। द पेशवा बाजीराव सेकंड एंग्रीड बाय द कंटिन्यूस इंटरफेरेंस बाय द ब्रिटिश डिक्लेयर वॉर ऑन देम। ठीक है, इन सबसे एंगर्ड यानी गुस्से में आकर, ठीक है, जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे उन्होंने वॉर को डिक्लेयर कर दिया, युद्ध स्टार्ट कर दिया। द भोसले एंड द होलकर ऑल्सो डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। भोसले और होलकर भी ऑलरेडी वॉर डिक्लेयर कर चुके थे। द ब्रिटिश डिफीटेड द होलकर्स द भोसलेस एंड द पेशवास इन सेपरेट वॉर, और अलग अलग युद्ध में ब्रिटिश ने इन तीनों को हरा दिया अंग्रेजों ने। अ पोर्शन ऑफ द पेशवास टेरिटरी वॉज गिवन टू द डिसेंडेंट्स ऑफ शिवाजी एट सतारा एंड द रेस्ट वॉज एक्सेडेड टू द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, कि जो पेशवा की जो टेरिटरी थी उसका जो कुछ पार्ट था, ठीक है, उसको शिवाजी के जो डिसेंडेंट थे, जो वंशज थे, उनको सतारा में दे दिया गया, और जो बचा हुआ पावर था, बचा हुआ जो पार्ट था, उसको अंग्रेजों ने ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। द अदर मराठास चीफ भोसले होलकर सिंधिया एंड द गायकवाड वर ब्रॉट अंडर द सुजरेंटी
ऑफ ब्रिटिश। सुजरेंटी का मतलब होता है बेटा आधिपत्य में, कि बाकी जो और जो मराठा पावर थे जैसे लाइक भोसले, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, ठीक है, इनको भी हराया गया था और इनसे बोला गया कि भैया आप हमारे आधिपत्य में रहकर ही शासन करें, यानी हमारे अंडर में आप रहकर शासन करें। दस आफ्टर डिफीटिंग द मराठास द ब्रिटिश बिकम अ पैरामाउंट पावर इन इंडिया। अब फाइनली मराठाओं को हराने के बाद ब्रिटिश पावर जो थी वो पैरामाउंट पावर बन चुकी, यानी एक प्रमुख पावर बन चुकी थी इंडिया के अंदर, ठीक। तो यहाँ तक था एंग्लो मराठा वार। एंड इन द नेक्स्ट जो होगा हमारे टॉपिक जो होगा वो लॉर्ड वेलेसली वाज अपॉइंटेड द गवर्नर, कि लॉर्ड वेलेसली को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया गया, जो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।